लोग भी जुड़ रहे हैं। और आप सभी को मालूम है आज का मुद्दा जो है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगी। आप देख ही रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली में अभी एक फैसला आया है चुनाव आयोग की सिफारिश पर कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, जिसमें मैं भी चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक एक शामिल हूँ। मेरी भी सदस्यता चली गई है, मुझे नहीं मालूम कि अब मैं विधायक हूँ या नहीं हूँ। कल हाई कोर्ट में सुनवाई है, सुबह 10 बजे कोर्ट में डेट तारीख पड़ी है, कल हम हाई कोर्ट जाएंगे और इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आपको मैं वाक्य बताना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिन्होंने हमें वोट दिया, खासतौर से मेरी अपनी विधानसभा चांदनी चौक के जिन्होंने लोगों ने वोट किया, और देश के सामने एक तस्वीर रखना चाहूंगी। पहले तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी कि हमने किसी तरह का कोई लाभ का पद नहीं लिया। हमने कोई भी गाड़ी, कोई भी दफ्तर, कोई भी बंगला, एक रुपए का भी, एक रुपया मतलब एक रुपए का भी लाभ या कोई भी ऐसा हस्ताक्षर नहीं किया जिससे हमें या किसी को भी लाभ पहुंचा हो। लेकिन दुख की बात है कि आज 19 तारीख को, शुक्रवार, 19 जनवरी शुक्रवार को चुनाव आयोग का फैसला आया कि उन्होंने सिफारिश राष्ट्रपति जी को भेज दी है कि 20 आम आदमी पार्टी विधायकों की सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए, यानी कि हम विधायक नहीं रहे। राष्ट्रपति जी ने, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, हमने समय मांगा राष्ट्रपति जी से, पता लगा राष्ट्रपति जी दिल्ली में नहीं है इसलिए समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन उम्मीद थी राष्ट्रपति जी दिल्ली आएंगे और जरूर समय देंगे। और हमारा राष्ट्रपति जी से एक ही निवेदन था, आप जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा, लेकिन एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले राष्ट्रपति जी हमें सुन लीजिएगा, हमें एक मौका साबित करने का जरूर दे दीजिएगा। पर दुख हुआ, निराश नहीं है, दुखी है कि राष्ट्रपति जी ने हमें वो समय नहीं दिया। और रविवार छुट्टी वाले दिन भी राष्ट्रपति जी, जिनके पास बहुत से मामले निलंबित हैं, बहुत से मामले सालों से निलंबित हैं, जिनकी सुनवाइयां नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारे इस मामले को प्राथमिकता देते हुए चुनाव आयोग की सिफारिश भेजने के 24 घंटों के अंदर रविवार को मोहर लगाकर हमारी 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। अब मैं विधायक नहीं रही, कल हाईकोर्ट में जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हमें जनता की अदालत में भी जाना पड़ा, दिल्ली पर चुनाव थोपा गया तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। हम तो एक राजनीतिक पार्टी से हैं, हम तो राजनीतिज्ञ लोग हैं। जब देश के 4 बड़े न्यायाधीशों को मीडिया के माध्यम से जनता की अदालत में आने को मजबूर होना पड़ रहा है देश की आजादी के 70 सालों बाद, तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी, हम जनता की अदालत में जाने से कब से डरने लग गए। दिल्ली में 2014 में चुनाव हुआ, देश भर में 15 में हुआ, 16 को छोड़ दीजिए 17 में चुनाव हुआ, 2017 में दिल्ली में चुनाव हुआ, 2018 में अब होने